कांग्रेस ने किया है मनरेगा का दुरुपयोग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी मनरेगा के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया है उसके लिए भी वह जिम्मेदार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के कारण सबसे बड़ा संकुचन हुआ, लेकिन सरकार खुदरा मुद्रास्फीति को 6.2% पर रखने में सक्षम रही है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर एक आम चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में एक स्थिर और स्थायी सुधार लाना है। इस साल का बजट निरंतरता के लिए खड़ा है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि पूंजीगत व्यय राजस्व मार्ग की तुलना में बहुत अधिक गुणक देते हैं, और इसलिए सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है। इसी बीच लोकसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपायों का विस्तार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा होनी है। बीजेपी सांसद रवि किशन भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रहे हैं। कल बढ़ती बेरोजगारी पर विपक्ष के दावों का मुकाबला करते हुए वित्त मंत्री ने गुरुवार को यह तर्क देने की मांग की कि देश में बेरोजगारी वास्तव में हाल ही में महामारी के चरम के बाद घट गई है, और सरकार ने रोजगार के लिए अपने बजट के माध्यम से पर्याप्त अवसर पैदा किए हैं।